नमस्कार मेरे मित्रों, जय मां शारदे। आज जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि इस बार करवा चौथ आने वाला है। करवा चौथ में अगर आप कुछ खास उपाय करते हैं तो आपके जीवन में, वैवाहिक जीवन में जितनी भी परेशानियां आ रही हैं उनसे आपको छुटकारा मिल सकता है। और अगर आपकी लव लाइफ भी ठीक नहीं चल रही है तो आप ये उपाय करेंगे तो आपको अच्छा फल प्राप्त होगा। करवा चौथ, करवा चौथ में हर सुहागिन का बेसब्री से इंतजार करती हैं, क्योंकि इस दिन कहा जाता है कि पति की लंबी आयु के लिए वो ये व्रत करती हैं। तो ये जो इस बार करवा चौथ पड़ रहा है वो कार्तिक मास में ही पड़ेगा और करवा चौथ 1 नवंबर 2023 को मनाया जाएगा। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला उपवास करती हैं और चंद्रमा देख करके अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण करती हैं। का रिश्ता और वैवाहिक जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आ रही हैं उनको दूर करने के लिए अगर आप कुछ उपाय करते हैं तो आपकी लव लाइफ भी बहुत खुशहाल रहती है और आपके जीवन से खुशहाली कोई नहीं छीन सकता है। दिन जो शुभ समय है पूजा करने का वो 5:36 पे शुरू हो जाएगा और 6:42 तक रहेगा, यानी पूजा की जो कुल अवधि रहेगी वो 1 घंटा 6 मिनट तक रहेगा। और चंद्र उदय का जो समय है वो 8:15 पर चंद्रमा निकल आएगा। की उपाय कि आपको करना क्या है, मान्यता के अनुसार अगर आप वैवाहिक जीवन में प्यार और उसके रिश्ते को मजबूत बनाना चाहते हैं तो आपको कम से कम पीले रंग की चूड़ियां जरूर पहननी चाहिए करवा चौथ के दिन। पीला या हरे रंग की चूड़ियां अवश्य पहने, कहते हैं कि पीला और हरा कलर माँ पार्वती जी को बेहद पसंद है। दूसरा उपाय आपको क्या करना है, लाल सिंदूर, इत्र, केसर और चने की दाल को आप जाकर के अगर किसी भिक्षु को या किसी मंदिर में दान देती हैं तो कहा जाता है सुख शांति समृद्धि आपके घर में निवास करती है। आपको क्या करना है, करवा चौथ के दिन वैसे तो दुर्गा चालीसा प्रतिदिन पढ़नी चाहिए, लेकिन करवा चौथ के दिन अगर आप पढ़ते हैं और दुर्गा मंत्रों का 108 बार अगर आप जाप करते हैं तो कहते हैं इससे लव लाइफ बेहतर होती है। तो आपको गणेश जी की पूजा करने के बाद, चौथ माता की पूजा करने के बाद आप कोशिश करें कि आप दुर्गा चालीसा भी पढ़ें। और उपाय करना है, आपको क्या करना है कि थोड़ी सी एक मुट्ठी पीली सरसों ले लीजिए और उसको पीले कपड़े में करवा चौथ की पूजा के दिन रख दीजिए और उसमें 2 गोमती चक्र डाल दीजिए। गोमती चक्र पंसारी की दुकान में बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो गोमती चक्र में एक में महिला अपना नाम लिखेगी और दूसरे गोमती चक्र में पति का नाम लिखेगी और उसके बाद पूजा करने के बाद इस गोमती चक्र को उठा करके पीले कपड़े में पोटली बांध करके अगर इसको अपनी अलमारी में रख देती है जहां वो कीमती वस्तु रखती है या फिर तिजोरी में भी रख सकती है, तो कहा जाता है ऐसा करने से, ऐसी मान्यता है कि मियां बीवी के बीच में, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहता है और कभी भी उनके जो लड़ाई झगड़े आकस्मिक होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। और फिर अगले साल जब करवा चौथ आएगा तो इस गोमती चक्र को उठाकर आपको किसी भी पहती नदी में प्रभावित कर देंगे और फिर यही उपाय रिपीट करेंगे। ऐसा करने से पति पत्नी का रिश्ता मजबूत बनता है। पार्वती जी को आप श्रृंगार का सामान जरूर अर्पित कीजिए। कहा जाता है कि माँ पार्वती जी ने बहुत दिन उपासना करके, तप करके, यज्ञ करके, जप करके शिव जी को प्राप्त किया था। तो अगर आप श्रृंगार का सामान चढ़ाती है माता जी को तो वो अत्यंत प्रसन्न होती है। श्रृंगार का सामान आप किसी विवाहित महिला को भी दे सकती हैं और नहीं तो आप खुद भी उसमें का कुछ सामान रख लीजिए और कुछ सामान आपको दान देना है। फिर आपको अगला उपाय क्या करना है कि आप गणेश जी की पूजा करेंगी। गणेश के सिद्धि विनायक मंत्रों का जाप करते हुए आपको गणेश जी पे लड्डू चढ़ाने हैं धुरवा के साथ और फिर घर में प्रसाद के रूप में या फिर आप बाहर भी किसी को दान कर सकते हैं। हमें जो भी सामग्री भरते हैं, आपको चावल का लड्डू, उसमें खील, चूरा और लैया और 4 पूड़ी उसमें भरनी होती है। तो कोशिश करेंगे कि ये जो करवा का सामान होता है वो सिर्फ घर के पति और लड़के ही खाएंगे। कोशिश करेंगे कि ये सामान आप अपने घर की बेटियों को नहीं खिलाएंगे, क्योंकि घर की बेटियों को इस करवे के अंदर रखा हुआ सामान नहीं देना चाहिए। मैं अगले वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।